हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी ऐप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि गैस कटिंग सेफ्टी, यानी कि जब भी गैस कटिंग का काम करते हैं तो उस टाइम में आपको किस किस हजार्ड का सामना करना पड़ता है और उस काम में क्या क्या प्रिकॉशन यानी कि क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करना होगा ताकि आप गैस कटिंग का काम सेफली कर सकें। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, इसकी बिल्कुल भी न करें। गैस कटिंग हजार्ड, यानी कि जब भी आप गैस कटिंग का काम करेंगे तो उस टाइम में कौन कौन हजार्ड का सामना करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि फायर हो सकता है और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्पार्क, यानी कि जब भी आप गैस कटिंग करेंगे उस टाइम में स्पार्क भी क्रिएट होता है, तो ये भी हजार्ड है। बर्न इंजुरी, तो बर्न इंजुरी भी हो सकता है, आदमी जल सकता है गैस कटिंग के दौरान। नेक्स्ट है आर्किंग, तो आर्किंग भी हजार्ड है। नेक्स्ट है आई इंजुरी, तो आई इंजुरी भी हो सकता है गैस कटिंग के टाइम में, तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है कट इंजुरी, कट इंजुरी भी हो सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सिस फ्यूम, यानी कि जब भी आप गैस कटिंग का काम करते हैं उस टाइम में टॉक्सिस फ्यूम क्रिएट होता है, ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है गैस लीकेज, यानी कि जब भी आप गैस कटिंग का काम करेंगे तो उस टाइम में गैस लीकेज हो सकता है होस से या फिर कोई भी होस ज्वाइंट से गैस लीकेज हो सकता है, तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है फ्लेमेबल मटेरियल नियर द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस के पास में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल अगर है तो ये भी एक हजार्ड है। फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आग लगने का चांस हो, उसे फ्लेमेबल मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है पुअर हाउसकीपिंग एट वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर अगर पुअर हाउसकीपिंग है तो ये भी एक हजार्ड है। तो दोस्तों, ये सब हजार्ड का सामना करना पड़ेगा आपको जब भी आप करेंगे गैस कटिंग का काम करेंगे, तो आपको ये हजार्ड का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी आप देखेंगे कि गैस कटिंग का एक काम में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, यानी कि जब भी आप गैस कटिंग का काम करेंगे तो उस टाइम में क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे ताकि आपका काम जो है वो सेफली हो। प्रिकॉशन कंट्रोल मेजर, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गैस कटर मोस्ट बी स्किल्ड एंड ट्रेनेड, यानी कि गैस कटर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए और ट्रेनेड होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग दिया गया होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्किंग एरिया शुड बी ड्राई एंड क्लीन, यानी कि वर्किंग एरिया जो है वो सूखा हुआ होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल फ्रॉम वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस से जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसे आप रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है कीप फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर बकेट नियर द गैस कटिंग वर्क, यानी कि गैस कटिंग वर्क के पास में आपको फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट रखना होगा। नेक्स्ट है गैस लीकेज चेक, यानी कि गैस लीकेज होता है तो उसको चेक करना होगा आपको कि गैस लीकेज तो नहीं हो रहा, ये चीज पहले आपको इंश्योर करना होगा। नेक्स्ट है गैस कटर मोस्ट बी यूज लेदर हैंड ग्लव्स एंड लेदर एप्रोन, यानी कि गैस कटर जो है वो लेदर हैंड ग्लव्स और लेदर एप्रोन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है गैस कटर मोस्ट बी यूज ब्लैक गॉगल्स और फेस शील्ड, यानी कि गैस कटर जो है उसको ब्लैक गॉगल्स का यूज करना चाहिए और फेस शील्ड का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कंट्रोल मेजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब भी आप गैस कटिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।